हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 23 फरवरी 2022 क्रमांक संख्या 31। आज की वर्कशीट हमारी रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की है, क्लास वन की। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। वीक सिक्स की है थीम लेटेस्ट रिसाइकल प्लास्टिक। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दी गई वर्कशीट में देख लेते हैं। हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड कीपिंग वेल। हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ किट्टो एंड हिज फ्रेंड इंजॉय अ बाथ इन द रिवर आफ्टर रिमूविंग ऑल प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम इट। आपको किट्टो और उसके दोस्तों याद ही होंगे, जिन्होंने नदी में से प्लास्टिक का कचरा निकाल कर वहाँ पर बाथ इंजॉय किया था। लेट अस रीड व्हाट आर एनिमल फ्रेंड्स आर डूइंग दिस वीक। चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते ये जो सारे एनिमल दोस्त हैं वो क्या करने वाले हैं। किट्टू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट मोंटोस बर्थडे वॉज कमिंग। किट्टू ने अपने दोस्तों से कहा कि मोंटो का बर्थडे आने वाला है। दे स्टार्टेड प्लानिंग फॉर अ गुड गिफ्ट फॉर मोंटो। वो मोंटो के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेने वाले हैं। मोंटू कौन है? ये देखिए, ये मंकी जो है वो मोंटू है, बंदर। लेट अस रीड व्हाट मोंटूज फ्रेंड आर प्लानिंग। चलिए हम रीड करते हैं कि मोंटू के दोस्त मोंटू के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। किट्टू मीट विथ मिठू जंबो हॉपी एंड टिक टिक टू प्लान फॉर बर्थडे गिफ्ट फॉर मोंटू। किट्टू अपने दोस्त मिठू जंबो हॉपी और टिकटिक से मिलकर बर्थडे में क्या गिफ्ट दें उसका प्लान कर रहे हैं। हॉपी वॉन्ट्स टू यूज द प्लास्टिक वेस्ट दैट वॉज लेइंग नियर द रिवर साइड। हॉपी ने जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए वहाँ पर जो नदी के पास प्लास्टिक जमा है उसको रिसाइकल करके उसके लिए गिफ्ट बनाएगा। ही वॉन्टेड टू रिसाइकल दैट प्लास्टिक एंड मेक अ गिफ्ट। वो उन प्लास्टिकों का यूज़ करके मोंटो के लिए गिफ्ट बनाएगा। मेक अ गिफ्ट फॉर मोंटो, वो मोंटो के लिए गिफ्ट बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कैन यू गेस व्हाट दे मेड विद द प्लास्टिक बॉटल्स फॉर मोंटोस बर्थडे गिफ्ट। Discuss it with your teachers. You may also try to make something with a waste plastic bottles with the help of your elders. Share the picture with your teachers. यहाँ पे वो क्या बना सकता है प्लास्टिक वेस्ट बॉटल से? वो बास्केट बना सकता है जिसमें वो फ्रूट रखे। तो यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल से बास्केट बना सकता है, कप बना सकता है उसे पानी पीने के लिए। ठीक, चलिए आप भी अपने बड़ों की सहायता लेकर पूछ सकते हैं वो क्या बना सकते हैं प्लास्टिक बॉटल से। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द थिंग इन द पिक्चर आर थिंग्स आर इन द पिक्चर्स टॉकिंग अबाउट। इमेजिन एंड क्रिएट द डायलॉग, से देम लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। यहाँ पे देखिए, राइट हैंड साइड पे पिक्चर दी गई है, ये थिंग्स आपस में क्या बातें कर रही हैं वो आपको बताना है। तो जैसे ये चूल्हा है और ये कुल्हाड़ी है। तो ये चूल्हा कह रहा है कि तुम बार बार क्यों आ जाते हो, तुम्हारी वजह से मैं काला हो जाता हूँ, बार बार तुम लकड़ियाँ लेकर आ जाते हो। कुल्हाड़ी कहती, मैं क्या करूँ, मेरा तो काम है, मुझे करना पड़ता है, मुझे लाना पड़ता है। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे ये कुल्हाड़ी कह रही है, अरे ये चूल्हा कह रहा है, वाई यू कम अगेन एंड अगेन विथ वुड, आई हैव टू बी ब्लैक बिकॉज ऑफ यू एवरी डे। यहाँ पे देखिए, ये कुल्हाड़ी ये कह रहा है कि तुम रोज आते हो और लकड़ियाँ लाते हो जिसकी वजह से मैं काला हो जाता हूँ। फिर ये जो कुल्हाड़ी है एक्स, वो क्या कहती है, कहती है वॉट कैन आई डू, आई एम फोर्स टू डू दिस। वो क्या कर सकती है, मुझे तो ये करना पड़ता है, ये मेरा काम है। इस तरह से कोई मज़ेदार संवाद अपनी कॉपी में लिखिए, अपने टीचर और
शिक्षक और शिक्षिका को बताएं। अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैली के बजाय कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों, 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।